गोंडा से देखेंगे, जहां के सरगंज लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बसपा सरकार में रहे मंत्री चंद्रदेव राम यादव ने नामांकन किया, तो वहीं प्रत्याशी चंद्रदेव राम यादव से मीडिया ने जब सवाल किया कि आप पर कुछ मामले दर्ज हैं, तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मामले दर्ज है, सरकार मामला दर्ज करवाती है, अभी तो जांच पड़ताल चल रही है और कौन क्या, हम कोई चोर डकैती या कत्ल वाले मामले हम पे दर्ज नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि अखिलेश ने काम शुरू किया था तो बीजेपी ने उनको रोक दिया था, वो काम अगर पूरा कर दिया जाए तो उसी को पूरा करूंगा और समानता व्यवहार चारा कायम करूंगा। और समता व्यवहार भाईचारा ये कायम करूंगा, कैसरगंज में सभी लोगों को समान रूप से दर्जा मिले ये काम करूंगा।